अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने नया और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीबीआई बीते 3 दिन से सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हेल्पर दीपेश से पूछताछ कर रही है। सोमवार को सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान रहने लगे थे। वो उनके सामने 2-3 बार रोए भी थे। इन सभी बातों का खुलासा एक टीवी चैनल ने किया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से पूछताछ में ये बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करती थी। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से पिछले साल की एक पार्टी का जिक्र करते हुए बताया कि एक पार्टी में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका का आपस में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में सुशांत ने रिया का साथ दिया था। इसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसके अलावा सिद्धार्थ ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त के बाद से सुशांत सिंह राजपूत का काम में मन लगना बंद हो गया था और वह ज़्यादा समय रिया चक्रवर्ती के साथ बिताने लगे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब सुशांत सिंह राजपूत अकेले पड़ गए थे। 2019 खत्म होने के बाद वह ऐसा महसूस करने लगे थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि कुछ समय बाद वह अपने घर हैदराबाद चले गए थे, वहीं नौकरी कर रहे थे, लेकिन जनवरी 2020 में एक दिन उनके पास सुशांत सिंह राजपूत का कॉल आया। कॉल पर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि अभिनय की दुनिया छोड़ने वाले हैं और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने अपने बयान में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें बताया था कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने सिद्धार्थ को वापस मुंबई आने को बोला, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी हैदराबाद से वापस आ गए। सिद्धार्थ पिठानी ने आगे कहा कि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुँचे, सुशांत सिद्धार्थ से लिपट कर रोने लगे और अभिनय छोड़ने की बात करने लगे। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि अब 30,000 रुपये में घर चलाएंगे और अभिनय छोड़कर खेती करेंगे। सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को सबसे पहले जनवरी में अकेला छोड़ा था। यह बात भी उन्होंने रोते रोते बताई थी। सिद्धार्थ के अनुसार जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की ऐसे हालत के लिए उनके मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि रिया सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड इस्तेमाल करती है और उन्हें छोड़कर चली गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और आगे और क्या क्या खुलासे होंगे वो सीबीआई से पूछताछ के बाद ही होगी। अब देखते हैं सीबीआई क्या पूछताछ करती है सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हेल्पर दीपेश से। फिलहाल आपको बता दें कि इन तीनों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं तीनों के। तो देखते हैं और क्या चीज़ें बाहर आती है। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।